बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, एडमिशन इसका क्लोज हो चुके हैं। स्टूडेंट साहब बार बार ये पूछ रहे हैं कि इसकी पहली मेरा लिस्ट कब लगेगी। स्टूडेंट उसके हवाले से आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर कर देता हूँ, लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स आपके जो एडमिशन है नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में, तो इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट थी वो 11 अगस्त 2023 थी। तो 11 अगस्त के बाद जो है इसके अभी मेरा लिस्टिंग लगनी है। स्टूडेंट्स वो किस डेट को लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कल की वैसे छुट्टी है 14 अगस्त 2023 की, तो मेरा लिस्ट आपकी जो है अब जो सोर्सेस है जो न्यूज आई है जो मैंने पता की है तो उससे मैनेजमेंट वालों ने यह कहा कि आप हमके हमारी जो पहली मेरा लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान की स्टूडेंट्स वो 15 अगस्त 2023 को अनाउंस की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह 15 अगस्त 2023 को आपकी जो मेरा लिस्ट है वो पहली मेरा लिस्ट बीएस के प्रोग्राम के लिए नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान की अनाउंस की जाएगी। जो सोर्सेस है जो न्यूज आई है उसमें उन्होंने यही बताया। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मेरा लिस्ट अनाउंस होगी मैं आपसे इसी चैनल पर फौरन ही वीडियो बनाकर अपडेट शेयर कर दूंगा। आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही इसकी मेरा लिस्ट लगे मैं आपसे वीडियो बनाकर शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद आल पे क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स उसके अलावा और भी काफी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन अभी तक ओपन है, जिसमें 20,000 जो मुल्तान में अभी तक एडमिशन ओपन है और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी अभी तक एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई कर लें। इसके साथ साथ इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी एडमिशन अभी तक ओपन है। तो इनमें से किसी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स अभी तक आपके पास टाइम मौजूद है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इसके हवाले से अगर आपका मजीद कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।